भाई देखो, आज रोजगार मेला के अवसर पर, ये 12वीं रोजगार मेला है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज देश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। केवल सरकारी नियुक्ति ही नहीं, बल्कि रोजगार के संसाधन निजी और सरकारी क्षेत्र में लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और मिल रहा है। जहाँ तक हमारे आज 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को देश भर में ऐसे 46-47 स्थानों पर आज नियुक्तियाँ पत्र बांटी गई। मैं यहाँ जम्मू में BISF के इस प्रांगण में नियुक्ति पत्र बांट करके मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि कई युवा डॉक्टर, कई युवा विभिन्न नौकरियों में जा रहे हैं। उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए जहाँ हमारी सरकार ने एक अच्छे वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के लिए और उनके अच्छी ट्रेनिंग होता रहे, यह भी प्रयास हम लोगों ने किया है। और आपने देखा कि आज वो भवन भी जहाँ उनकी कार्य कुशलता सक्षम हो, उसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेसी की जीत हुई है, जो हमारे नेवल ऑफिसर कतार में थे वो रिलीज कर दिए गए, कैसे आप ये देखते? बहुत खुशी का दिन है कि हमारे वैसे लोग जो देश के लिए लड़ने मिटने वाले लोग, जिन पर गलत आरोप लगाए गए थे और उनको कतार में फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कूटनीतिज्ञ के कारण, हमारी सरकार की विदेश कूटनीतिज्ञ का परिणाम और प्रधानमंत्री जी के प्रभुत्व का प्रभाव है कि आज हमारे आठों के आठों भाई वहाँ से मुक्त हो करके आ गए हैं। उसके लिए मैं उन्हें, उनके परिवार को और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक कुशल मार्गदर्शन मोदी है तो मुमकिन है, तो निश्चित रूप से हमारी कूटनीतिज्ञ काफी हम उसमें सफल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को जो सियासत कर रहे थे, अपोजिशन पार्टी वालों को, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये लोग तो यही करते हैं, ये लोग इनके लिए देश और देश की सुरक्षा में लगे जवान जो हैं वो अच्छा नहीं लगता इनको। इनके लिए लूट, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, तुष्टिकरण की नीति अपनाने वाले, ये इनको अच्छे लगते हैं। इनके लिए देश कहाँ से, इनके लिए परिवारवाद है, खानदानवाद है, इनके लिए राष्ट्र, हमारे लिए देश प्रथम और फिर व्यक्तिवाद में। तो जहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक कल्चर डेवलप किया है देश के अंदर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान, और हमने ज्ञान के आधार पर जहाँ जातियों के भरमार है, हमारी 4 जाति है, ज्ञान, जी से गरीब, वाय जो हमारे युवा, ऐसे अन्नदाता किसान, और एन से नारी शक्ति, ये ज्ञान, यही प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान दिया है, यही ज्ञान हमारे 4 स्तंभ है। इसी 4 स्तंभ को हमें मजबूत बनाना है ताकि 2047 का विकसित भारत जो हमारा बन सके। हम 2047 में विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उसी संकल्प को सिद्धि की ओर पहुंचाना है। हमें युवा शक्तियों पर विशेष ध्यान देना है, युवा भारत, एक नया भारत, युवा भारत, यूथ इंडिया, जो हमारा युवा भारत होगा, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण बोधतः, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम मत करो, उसी नरेंद्र का रूह इस नरेंद्र मोदी में प्रवेश। JK चैनल से आनंद शर्मा की रिपोर्ट।